भी खामोश महफिल हो, आप तो माशाल्लाह बहुत मोहब्बत से सुन रहे हैं, कितनी भी खामोश महफिल हो ये शेर बहुत मोहब्बत के साथ सुना जाता है। शेर ही कुछ ऐसा है, आप सुन करके बताएं। मेरे खुदा मेरी बेटी को बाहया रखना। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह, बेशक जरा बोले आमीन आमीन। सुनिए शायर ने, जिस शायर ने ये कलाम लिखा है उसने अपनी बेटी की हकीकत बयान की शेर में। मुलायदा फरमाएं, मेरे खुदा मेरी बेटी को बाहया रखना, मेरे खुदा मेरी बेटी को बाहया रखना, ये पूछती है बहुत फातिमा के बारे में, ये पूछती है बहुत फातिमा के बारे साथ। सुने रसूल पाक की है गए अदा के बारे में। एकदम बिल्कुल तैयार रहना है मतलब सुनने के लिए, हाजिर करता हूँ। रसूल पाक की है अदा के बारे में, रसूल पाक की हर है अदा के बारे में, लगे हुए है सब उनकी सेना के बारे में, लगे हुए हैं सब उनके सेना के बारे में। एक शेर सुने, किसी घंटा किसी खुशबू से पूछ लेना तुम, किसी घंटा किसी खुशबू से पूछ लेना तुम, किसी घंटा किसी खुशबू से पूछ लेना तुम, मेरे हुजूर की जुल्फे तोता के बारे में, मेरे हुजूर की जुल्फे तोता के बारे में, मेरे हुजूर की जुल्फे तोता के बारे में, मेरे हुजूर की जुल्फे तोता के बारे में। हजरत एक शेर में पढ़ता हूँ, की देखा आप सबकी दुआएं चाहता हूँ, दुआएं मिलेंगी, सबसे बड़ा इनाम समझूंगा मैं इसे, सुनिएगा। और जितने लोग यहाँ मौजूद हैं मुझे नजर आ रहा है, जितने खड़े हैं जितने बैठे हैं, आप सबकी खास तवज्जो चाहता हूँ। अगर शायरी से थोड़ा सा भी आपका ताल्लुक है, इस शेर को सुन करके इंशाल्लाह आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। मैं हाजिर करता हूँ, अकीदे का शेर है, सुनिए। इसी सवाल में जन्नत है और दो जख्मी, बेदार हो जाए बेदार हो जाए, जोर से बोले या रसूल अल्लाह। इसी सवाल में जन्नत है और दो जख्मी। अगले मिसरे में आप सुनेंगे वो सवाल क्या है जिसमें जन्नत भी है दोजख भी है। हाजिर करता हूँ, अगर दिल को लग जाए तो दुआएं दीजिएगा। इसी सवाल में जन्नत है और दो जख्मी, इसी सवाल अकीदा क्या था तेरा मुस्तफा के बारे में, अकीदा क्या था तेरा मुस्तफा के बारे में। सुभान बड़ा शेर पड़ा, एक नारा तो बुलंद होना चाहिए था महफिल से, है कोई दीवाना। अकीदा क्या, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, बहुत पीछे से आवाज आ रही है, अल्लाहु अकबर।
या रसूल अल्लाह तेरा मुस्तफा के, मिलकर मेरे साथ, अकीदा क्या था तेरा मुस्तफा के, अकीदा क्या था तेरा मुस्तफा के बारे में। एक शेर पढ़ूं जरा, उससे पहले अपने दोनों हाथ उठाएं, बोले या अली या अली। आवाज बुलंद नहीं अली वालों की, सही से जरा जोर से या अली। सुने शेर, अली से पूछ के क्या है नबी के तीनों यार, अली से पूछ के क्या है नबी के तीनों यार, अली से पूछ के क्या है नबी के तीनों यार, और उनसे पूछ अली मुर्तजा के बारे में, और उनसे पूछ अली मुर्तजा के बारे में, और उनसे पूछ अली मुर्तजा के मकाम वैस का क्या है हुजूर ही जाने। ये शेर खास कर उलमा हजरात को नजर है और ये समझेंगे इंशाल्लाह और अपनी मुझे दुआएं देंगे। हाजिर करता हूँ, मकाम वैस का क्या है हुजूर ही जाने, मकाम वैस का क्या है हुजूर ही जाने, जो कहलवाते हैं उनसे दुआ के बारे में, जो कहलवाते हैं उनसे दुआ के बारे में। इस कलाम के आखिरी दो शेर और बहुत खास हैं ये दोनों शेर, बहुत अच्छे शेर हैं। सुने, पहला शेर पढ़ता हूँ, मुलादा फरमाए, जरा अपने हाथ उठाएं जोर से बोले या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। सुनिएगा, खास कर इन उलमाए किराम के हवाले से पढ़ रहा हूँ। रजा से दूर हो, सुनिएगा, आप सबकी दुआएं चाहता हूँ। रजा से दूर हो तो दूर इसलिए हो तुम, अगर बात सच्ची हो तो सपोर्ट कीजिएगा, हाजिर करता हूँ। रजा से दूर हो तो दूर इसलिए हो तुम, रजा से दूर हो तो दूर इसलिए हो तुम, तुम्हें पता ही नहीं कुछ रजा के बारे में, तुम्हें पता तकबीर नारे रिसालत मसलकी आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत नारे तकबीर नारे रिसालत नहीं कुछ रजा के बारे में। आखिरी शेर है इस कलाम का, शेर और भी है लेकिन मैं सारे शेर छोड़ करके अब कुछ और भी पढ़ना है, इसलिए आखिरी शेर और मक्ता, और ये वो शेर है कितनी भी खामोश महफिल हो, आप तो माशाल्लाह बहुत मोहब्बत से सुन रहे हैं, कितनी भी खामोश महफिल हो ये शेर बहुत मोहब्बत के साथ सुना जाता है। शेर ही कुछ ऐसा है, आप सुन करके बजाएं। मेरे खुदा मेरी बेटी को बाहया रखना, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक जरा बोले आमीन आमीन। सुनिए, शायर ने, जिस शायर ने ये कलाम लिखा है उसने अपनी बेटी की हकीकत बयान की शेर में, मुलाहिदा फरमाए। मेरे खुदा मेरी बेटी को बाहया रखना, मेरे खुदा मेरी बेटी को बाहया रखना, ये
पूछती है बहुत फातिमा के बारे में, ये पूछती है बहुत फातिमा के बारे में, ये पूछती है बहुत फातिमा के बारे में। नबी के सामने किस मुंह से जाऊंगा अजहर, नबी के सामने किस मुंह से जाऊंगा अजहर, वो जानते हैं मेरी है खता के बारे में। अकीदा क्या, अकीदा क्या था तेरा मुस्तफा के बारे में। नाज शरीफ पढ़ने का मुझे हुक्म मिला है।